नमस्कार, आप देख रहे हैं आज प्रकाश टीवी। मैं अलीशा जुनेजा आपके लिए लाई हूं पांच राज्यों की बड़ी खबरें। भाजपा में शामिल हो गए ग्रामीण जिला अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह हैप्पी। पीयू के अफसर अपनी गलतियों के सबक नहीं ले रहे। हरियाणा में लगातार बारिश से किसानों के चेहरे पर मुस्कान। पेट्रोल पंप पर पिस्तौल दिखाकर 22,000 लूटे। बच्ची को अगवा कर ले जा रहा था युवक जाबाज माँ ने दौड़कर दबोचा। पठानकोट में जमीन की खुदाई कर 5 करोड़ और ड्रग्स बरामद। मर्डर के बाद शव दफनाया, उंगलियां रह गई बाहर तो हुआ खुलासा। हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र 19 से 31 अगस्त तक हंगामेदार रहने के आसार। मानसिक मरीजों के आकलन के लिए रिव्यू बोर्ड नहीं बनाने पर फटकार। राजपार्क इलाके में जन्मदिन पार्टी में बुलाकर 22 साल की एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म। अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ कांग्रेस को रविवार को जबरदस्त झटका लगा। कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष और गांव दड़वा के पूर्व सरपंच गुरप्रीत सिंह हैप्पी भाजपा में शामिल हो गए। वे 14 साल पहले ही भाजपाई थे। रविवार को आयोजित समारोह में गुरप्रीत सिंह को भाजपा में शामिल करवाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन और पंचकूला के विधायक ज्ञान चंद गुप्ता सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पीयू के अफसर अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रहे हैं। बरसात में जहां तहां पौधे रोप जा रहे हैं। आरोप है कि इसके लिए फ्यूचर प्लानिंग नहीं देखी गई। भविष्य में निर्माण होगा तो इन पेड़ों पर आरी चलेगी। इसको लेकर कई पर्यावरण प्रेमियों ने प्रो वीसी राजकुमार को चिट्ठी भेजी है। कहा है कि पहले मास्टर प्लान को देखते और उसके बाद पौधारोपण करवाते। पीयू के आंकड़ों को देखें तो 150 से अधिक प्रजातियों के 4,000 से अधिक पेड़ लगे हैं। अब पीयू प्रशासन ने कैंपस को इको फ्रेंडली बनाने के लिए 25,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है, जो अब तक का सर्वाधिक है। हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में शनिवार को भी हुई झमाझम बारिश से धान की फसल को संजीवनी मिल गई। बीते 24 घंटे में गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, बहादुरगढ़, चंडीगढ़, भिवानी समेत कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई। हालांकि जलभराव से जगह जगह लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने मॉनसून के लगातार सक्रिय होने से 31 जुलाई तक प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश की संभावना जताई है। बाइक सवार तीन बदमाशों ने शनिवार शाम सेक्टर 4 स्थित सक्षम पेट्रोल पंप के सेल्समैन पर पिस्तौल तानकर 30 सेकंड में 22,000 रुपए से भरा बैग लूट लिया। भागते हुए बाइक सवार एक बदमाश ने ताबड़तोड़ 3 फायर किए। उनमें से एक गोली वहां खड़े ट्रक ड्राइवर अभिमन्यु की टांग में लगी। यह ड्राइवर पेट्रोल पंप पर ट्रक में डीजल डलवा रहा था। गोली चलते ही पेट्रोल पंप और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। घायल ट्रक ड्राइवर को तुरंत कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में दाखिल कराया गया, जहां ड्राइवर का इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद व्यापारी दहशत में है। लूट की सूचना मिलने पर SP सुरेंद्र सिंह भोरिया, DSP बजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। लुधियाना के सहानेवाल के भड्डा भीड़ में मां बाप से कुछ दूरी पर खेल रही 6 साल की बच्ची को अगवा कर लिया। जब बच्ची की मां ने आरोपी को बच्ची ले जाते हुए देखा तो वह तुरंत शोर मचाते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ी। आरोपी भी मां को देख भागा, लेकिन आरोपी को वहां काबू कर लिया गया। लोगों ने आरोपी की पिटाई की और बाद में पुलिस को सूचना दी। पंजाब की 5 जिलों की पुलिस ने रविवार शाम पठानकोट में कोठी में दबिश देकर 5 करोड़ रुपए और ड्रग्स बरामद की है। यह कार्रवाई लुधियाना में पकड़े गए 2 तस्करों रवि और भोला की निशानदेही पर की गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने मिर्थल से हिमाचल के काठगढ़ को जाने वाली रोड पर बनी कोठी पर रविवार शाम 6:30 बजे दबिश दी। कोठी के पास बनी मोटर पर खुदाई के दौरान करीब 1 करोड़ रुपए और हीरोइन बरामद की गई। कोठी के अंदर भी खुदाई जारी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कुल 5 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद हुई है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व SDF इंचार्ज स्नेहदीप शर्मा ने किया। छापेमारी के दौरान अमृतसर, लुधियाना, होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट की पुलिस फोर्स ने कोठी की घेराबंदी की। हिमाचल के ऊना हमीरपुर हाईवे के किनारे गांव डंगोली में जमीन में दफन एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई, लेकिन युवक प्रवासी प्रतीत हो रहा है।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। युवक की मौत गला घोट कर की गई प्रतीत हो रहा है, क्योंकि युवक के गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था और शरीर पर चोटों के निशान भी पाए गए हैं। जांच अभी जारी है। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार को मॉनसून सत्र बुलाने की राजभवन से मंजूरी मिल गई है। अब विधानसभा का मॉनसून सत्र आगामी 19 से 31 अगस्त तक होने जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की सिफारिश को स्वीकार करते हुए मॉनसून सत्र को अनुमति प्रदान कर दी है। अदालत ने स्टेट मेंटल हेल्थ सर्विसेज अथॉरिटी को फटकार लगाते हुए पूछा कि संबंधित कानून में अनिवार्य होने के बाद भी अब तक मानसिक रोगियों के आकलन के लिए रिव्यू बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया। यह सवाल अदालत ने एक एनजीओ की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पूछा है। एनजीओ ने उसके आश्रय गृह में रह रही एक महिला की मानसिक स्थिति के आकलन का आदेश देने के लिए अर्जी दायर की है। यह महिला MBBS है और उसने कोर्ट के आदेश पर या फिर वकील की मौजूदगी में ही अपनी जांच कराने की मांग की है। राज पार्क इलाके में जन्मदिन पार्टी में बुलाकर 22 साल की एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। युवती के दोस्त ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर अपने एक दोस्त के साथ घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता सा परिवार राज पार्क इलाके में रहती है। सुल्तानपुरी में रहने वाले आरिफ से उसकी दोस्ती थी। गत शुक्रवार को आरिफ का जन्मदिन था तो उसने युवती को अपने पार्टी का न्योता दिया। युवती सुल्तानपुरी चली गई। आरोप है कि वहां आरिफ ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया, इससे वह बेहोश हो गई। आरोपी ने अपने एक दोस्त सावन के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। होश आने के बाद पीड़िता अपने घर पहुंची और अपनी मां को आपबीती बताई। परिजनों ने राजपार्क थाने में इसकी शिकायत की। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर लौटेंगे 5 राज्यों की बड़ी खबरों के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।